प्रशांत किशोर को जानते हैं? प्रशांत किशोर को हाँ जानते हैं। कैसा नेता लगते हैं आपको? अभी तो ये हमारे पाले पड़ा है कि पाले पड़े नहीं है। पाले पड़ेगा तो पता चलेगा तो कैसा है। पहले वोट किसको देते थे? नीतीश कुमार। अब जन स्वराज। क्यों? फायदा के कारण। शराबबंदी होना बहुत जरूरी है। स्वच्छ परिवार के लिए शराबबंदी होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और इस तरह बंद नहीं होता, हम लोग के विचार से तो उसका फैक्ट्री ही बंद होना चाहिए। फैक्ट्री बंद होना तब यह शराब बंद हो सकता है। ऐसे कभी नहीं होगा शराब। आनंद किशोर कहते हैं कि भाई अगर शराब जो है वो खोल देना चाहिए, दुकान खोल देना चाहिए। नहीं, ये तो हम नहीं मानेंगे कि वो ऐसे बोले होंगे। नहीं मानती है लेकिन बोले हैं। बोले हैं ये चीज हमको पता नहीं है। पता तो नहीं आती। नहीं, फोटो हुआ जिनका चश्मा लगा, इनका नाम क्या? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जिनको सुनने आएंगे। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और आज के दिन प्रशांत किशोर अपनी जनसुराज को एक राजनीतिक दल में जो है वो बदलने जा रहे हैं। पटना का वेटनरी ग्राउंड है और यहाँ पे बीते कई दिन से तैयारी की जा रही थी। मन सब सजग तैयार है। प्रशांत किशोर आएंगे और वो अपना संबोधन करेंगे और एक राजनीतिक दल के रूप में जो है वो अपनी जनसुराज जो है उसको बदलेंगे। तो अब तक भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल हो, नीतीश लालू हो या तमाम पार्टियों की बात कर ली जाए तो इसके बाद 2025 विधानसभा चुनाव में एक जनसुराज प्रशांत किशोर भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जो लोग हैं बिहार के अलग अलग जिलों से यहाँ पे आए हैं, महिलाओं की भी अच्छी खासी आबादी है और खासतौर पर जब टिकट की बात होती है तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि भाई महिलाओं की बड़ी आबादी जिन्हें इस बार चुनाव लड़ाया जाएगा। हालांकि मौसम खराब है। लोग आप लोग कहाँ से आई है? बाका जिला। बाका से आई है? हाँ। कैसे गाड़ी से? हाँ। क्यों आई है? मीटिंग में। मीटिंग में? हाँ। कौन लाया? हमारे नहीं जानती। नहीं जानती है? कौन है? कौन है? ठीक है, जानती है। ये प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर है। आप कहाँ से आई? दुधारी बका से। बके से आई है आप? क्यों आई है? यार मीटिंग में। समिति में क्या बोल कर लाया गया? समिति में लच्छा मेला। कौन लाया? अनीता। अनीता दीदी कौन है? गुतनी लगती है। गुतनी लगती है। तो ये कौन है? ये फोटो हुआ? नहीं जानती है? नहीं जानती है? नहीं जानती है? नहीं नहीं जानती है? अभी नहीं जानती है? नहीं है? नहीं। यहाँ क्यों आई? क्यों आई? वहीं से आई। बुलाए? फुटवा किसको देते? फुटवा इसको देते हैं। किसको? इसको देते हैं। लालू यादव, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर। किसको? प्रशांत। प्रशांत जानती है? कौन है? यही नेतागिरी है। नेता है? नेता है ना। आप कहाँ से आई है? उधर से। बका जिला से। आप उधर से आई है? ये लोग महिलाएं हैं और हम चाहेंगे थोड़ा अच्छा सी थोड़ा जगह दीजिए तो हमको बात करेंगे। आप से कहाँ से आए? हम जोगापट्टी थाना से आए। जोगापट्टी? कौन जिला में पड़ता है? कौन जिला? बेतिया से आए। गाड़ी से आए? क्यों आए? यार ये सुने उन्हें ये हम लोग का विधायक कौन होगा, किसको बनाएंगे? हाँ सुनने के लिए आए। प्रशांत किशोर को जानते हैं? है? प्रशांत किशोर को हाँ जानते हैं। कैसा नेता लगते हैं आपको? अभी तो ये हमारे पाले पड़ा है कि पाले पड़े नहीं पाले पड़ेगा तो पता चलेगा तो कैसा है। वोट उठ देना है। हाँ। क्या नाम हुआ? अली मोहम्मद अंसारी। मोहम्मद अंसारी। हाँ। आप कहाँ से आई है? बाका से आई। सारा लोग बाके से आए? हाँ सब बाके से। क्यों आई? देखने। इसको देखने? जनसुराज को। जनसुराज को? प्रशांत किशोर को? प्रशांत किशोर में अच्छा क्या लगता है? अब सुनेंगे तब। सुनेंगे तब? अब तक नहीं सुनिए। पहले वोट किसको देते थे? नीतीश कुमार। अब जनसुराज। क्यों? फायदा के कारण। फायदा कुछ करे? फायदा। अच्छा ये कहते हैं कि भाई सरकार बनी ना तो 1 घंटा में शराबबंदी खत्म कर दे, मतलब फिर से दुकान शराब की खोल देंगे। आपको लगता है कि शराब की दुकान खोलना चाहिए? नहीं। क्यों? गलत चीज है वो। गलत चीज है शराब? गलत चीज है? ये तो कहते हैं कि शराब की दुकान खोल दे। गलत। आप समर्थन करती हैं शराब की दुकान का? नहीं। अच्छा। क्यों? नहीं अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता? नहीं। तो कहते हैं कि शराब खोल देंगे? नहीं आपको अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं। पहले शराब लोग पीता था तो क्या करता था? जो मारपीट करता था। पहले शराब पी के लोग मारपीट गाली गलौज करते? अब नहीं पीगा तो नहीं करेगा। नहीं पीगा तो नहीं करेगा कुछ? नहीं पिए? अब नहीं पीता है लोग? घर में कोई पीता है? हम लोग को नहीं पीते। नहीं डर से नहीं पीता? नहीं हम लोग पीते नहीं। पीते ही नहीं?
चलिए, शराबबंदी को लेकर जो बड़ा सवाल था, आमतौर पर इसकी चर्चा होती है, आप कहाँ से हैं? हम बाका जी का। बाके से आई है? आप किसके साथ आई? एक ही ग्रुप है। अच्छा, बिहार में शराब खोलना चाहिए कि नहीं, दुकान शराब को खोलना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं ना, शराब बुरी चीज है, बुरा चीज है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि खोल देंगे, गलत बात है ना, आप मानती है शराबबंदी होना चाहिए? शराबबंदी होना बहुत जरूरी है। हाँ। स्वच्छ परिवार के लिए शराबबंदी होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और इस तरह बंद नहीं होता, हम लोग के विचार से तो उसका फैक्ट्री ही बंद होना चाहिए। फैक्ट्री बंद होना तब यह शराब बंद हो सकता है। हाँ। ऐसे कभी नहीं होगा शराब। बिहार में तो अगर कोई पीता है, कोई दिखता है तो पुलिस पकड़ लेती है उसे। हाँ, बिल्कुल पकड़ती है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि भाई अगर शराब जो है वो खोल देना चाहिए, दुकान खोल देना चाहिए। नहीं, ये तो हम नहीं मानेंगे कि वो ऐसे बोले होंगे। नहीं मानती है, लेकिन बोले हैं, बोले हैं। ये चीज हमको पता नहीं है। पता तो नहीं आती। नहीं। चलिए, आप कहाँ से? हम भी सब साथी में। सब साथी में? हाँ, सब अभी साथी में। हाँ, सब साथी में आए। आप शराब को लेकर क्या सोचती हैं? क्या बंद नहीं, अच्छा चीज कहता है कि शराब अच्छा चीज है? शराब खराब चीज है। खराब चीज है। शराब बंद होना चाहिए। बंद होना, दुकान नहीं खोलना चाहिए। नहीं। नीतीश कुमार जो किए अच्छा किए? नहीं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि शराब खोल देना चाहिए? नहीं, समर्थन नहीं कीजिएगा ना? नहीं। देखिए, महिलाएं जो है वो शराबबंदी पर बहुत स्पष्ट स्टैंड रखती हैं कि भाई शराबबंदी अच्छी चीज है, शराबबंदी होनी चाहिए। आप कहाँ से आई हैं? दुधारी बका से। बकरा कौन जिला पड़ता? बाका। बाका जिला। अच्छा, बाका जिला से। पूरा बाके दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, बाके जिला से आए। क्यों आई है? आइए, हम ये दिन मीटिंग में आए। किसके है? जन सुराज। इनको तो नाम से जन सुराज बोलते हैं। आदमी का नाम क्या है? फोटोआ जिनका चश्मा लगा, इनका नाम क्या है? नहीं जानते। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। इनको सुनने आए हैं। अच्छा, शराब को लेकर क्या सोचती हैं कि शराबबंदी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि शराब पी पी करके साला सारा आदमी खराब होते हैं। अच्छा, पहले जब शराबबंदी नहीं थी बिहार में, शराब मिलता था आसानी से, तब आपके घर में कोई शराब पीता था? नहीं। अब तो पीता है। क्यों पीता है? मिलता है तो पीता है। गलत बात है। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। हाँ, बंद हो जाना चाहिए। अगर कोई कहे कि शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए, दुकान खोल देना चाहिए, तो आप समर्थन कीजिएगा? नहीं, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर कहते हैं खोल देना चाहिए। नहीं, हम लोग रहेंगे नहीं खुलने के लिए। नहीं 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 खुलना चाहिए। देखिए, महिलाओं की बड़ी आबादी है यहाँ पे, और शराब को लेकर बहुत स्पष्ट स्टैंड जो है महिलाओं का है कि भाई शराबबंदी अच्छी चीज है, शराबबंदी होनी चाहिए। एक बार फिर आपसे बात करेंगे और पूछेंगे कि शराब को लेकर क्या सोचती हैं, शराबबंदी होना चाहिए या दुकान खोला चाहिए? बंदी होना चाहिए। शराबबंदी होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों? बहुत खराब चीज है। खराब चीज है। आंटी है, सामने से दिखाइए। छोटा छोटा बच्चा है ना, बहुत गलत काम करता है ये। हाँ, तब क्या? आपके पति पीते हैं? नहीं। घर में कोई? कोई नहीं। पहले? कोई नहीं। पहले भी नहीं पीता था? नहीं नहीं नहीं। आपके आसपास कोई पीता है? नहीं। पी के खुलेआम रोड पर घूमता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है? देखते हैं। नहीं नहीं। शराबबंदी होना चाहिए, दुकान नहीं खोलना चाहिए, शराब नहीं खोलना चाहिए। ये महिलाएं हैं जो यहाँ पे, जो महिलाएं हैं वो बाका से आई है, और इनका मानना है कि शराबबंदी जो है वो अच्छी चीज है। वो अलग बात है कि शराब चोरी चुपके बिकती है, सरकार के पैरेलल में एक माफियाओं का कह सकते हैं कि तंत्र खड़ा हो गया है, जिसको लेकर आमतौर पर सवाल खड़ा होते रहता है कि बिहार में शराबबंदी जो है वो पूरी तरीके से फेल है। प्रशांत किशोर की सभा में कह सकते हैं पार्टी लॉन्च करने वाले हैं, और आज जो लोग सुनने आए हैं, जो महिलाएं सुनने आई हैं, उनका शराबबंदी को लेकर बहुत स्पष्ट है कि अगर कोई शराबबंदी खत्म करने की बात करेगा तो मैं उनको समर्थन जो है वो नहीं दूंगी। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।